राज्य के पशुपालन, डेयरी विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने जल आपूर्ति विभाग को तालुका में ग्राम पंचायतों द्वारा उठाई गई पानी की समस्या पर तत्काल ध्यान देने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि पदाधिकारी और अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर रुके हुए और प्रस्तावित काम तय समय में पूरा करने के दिशा निर्देश मंत्री सुनील केदार ने पंचायत समिति हॉल में आयोजित जल संकट समीक्षा बैठक और महावास अभियान के शुभारंभ अवसर पर दिए। तहसीलदार प्रताप राव वाघमारे पंचायत समिति सावनेर के विकास अधिकारी दीपक गरुड़ को जगह की कमी के चलते हुए अतिक्रमण को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने की और महावास का प्रस्तावित समूह विकास अधिकारी दीपक गरुड़ द्वारा किया गया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आने वाले समय में ग्रामवासियों के घरों में पानी और बिजली की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए और जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत चयनित 71 गांवों के स्वीकृत कार्यों को जमा कर दिया गया है। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मिताई बर्वे, उपाध्यक्ष सुमित्रा ताई कुम्हारे, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुम्हारे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमिला जाखलेकर, कार्यपालक अभियंता संजीव हेमके, उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे, अभियंता योगेश इंगले, शाखा अभियंता दिनका बिहारे, पंचायत समिति सावनेर के सभापति उप सभापति अभियंता संकेत, पंचायत समिति सदस्य गोविंद ठाकरे, गणेश काकड़े, ममता केसर, भावना चिखले, राहुल तिवारी, जीजा बागड़े, जिला परिषद सदस्य मुक्ता कोकड़े, प्रकाश खपरे, नीलिमा उइके और अन्य पदाधिकारी अधिकारी तालुका के सभी ग्रामों के सरपंच, सचिव, ग्राम सेवक उपस्थित थे। एक संयुक्त सभा आयोजित के लिए मुख्य उद्देश्य की ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना घरे देणे आणि पाणी टंचाईच्या संदर्भाने त्यांना शुद्ध पाणी जल जीवन मिशन अंतर्गत देण्याचा हा मुख्य उद्देश आहे। या सभेला उपस्थित माननीय नामदार श्री सुनीलजी केदार, मंत्री महाराष्ट्र शासन, जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा आदरणीय रश्मिताई बर्वे, उपाध्यक्ष आदरणीय सुमित्राताई कुंभारे। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।